जन्नत का नजारा हमारा रहेगा, ये है कश्मीर हमारा। इस एपिसोड में भी हम बात करने वाले हैं कारगिल युद्ध की। युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध में कभी किसी को लाभ नहीं होता, युद्ध का अर्थ है विनाश। परंतु फिर भी इस संसार में युद्ध होते आए हैं और होते रहेंगे, ऐसा क्यों? ये प्रश्न बार बार नजरों के सामने घूमता है। इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है, क्योंकि जब भी किसी इतिहासकार को युद्ध की याद आती है तो उसकी आंखों के सामने लाखों लोगों की लाशें घूमने लगती हैं। करोड़ों अनाथ बच्चे अपने पिता की शक्ल देखने के लिए जीवन भर तरसते रहते दिखाई पड़ते हैं। हम दोस्त हैं, दोनों देश दोस्त बनकर रहेंगे, ये नारा तो पूरे भारत और पाकिस्तान में गूंज रहा था। भारत के प्रधानमंत्री दोस्ती की बस लेकर लाहौर जा रहे थे। दोस्ती की इस बस से दोनों देशों में मित्रता का एक नया युग शुरू होने वाला था। दिल्ली से लाहौर तक पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे। जन्नत का नजारा हमारा रहेगा, ये है कश्मीर हमारा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिरदौसे कश्मीर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, मैं हूं ब्रजेश। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सियाचिन की। सियाचिन जिसका नाम आते ही मानो खून जमने लगता है, और ऐसा हो भी क्यों ना, -40 डिग्री सेल्सियस पर खून तो जमेगा ही। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र पर कब्जे के लिए भारत और पाकिस्तान लगातार संघर्ष करते रहे हैं। इसके पीछे वजह भी है, और वजह है इसका सामरिक महत्व। सांस्कृतिक विनिमय द्वारा जुड़े हुए हैं। सियाचिन एक भयावह भूभाग का एक छोटा सा भाग है। 6 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं एशिया का केंद्र कहे जाने वाले भूभाग का हिस्सा है। इनमें पहली पर्वत श्रृंखला है अफगानिस्तान के शुष्क पहाड़ों से उठता हिंदू को श्रृंखलाएं उभरती हैं। पामीर को पैदल या सड़क द्वारा पार करना कठिन है। इस क्षेत्र को अरब पर्यटकों द्वारा दुनिया की छत या बामे दुनिया कहा जाता था। काराकोरम पहाड़ पामीर से भारत में लद्दाख तथा तिब्बत की सीमा के निकट रुडोक तक विस्तृत है। काराकोरम की 3 चोटियां दुनिया की 6 उच्चतम चोटियों में शामिल है, जिनमें भव्य K2 चोटी भी शामिल है, जो किसी भी पर्वतारोही का सपना है।